में आपका स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास के अंदर, जहां मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं नोवे। नोवे का मतलब है ढंग, तरीका, तमीज। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको खड़े होने का ढंग नहीं है, आपको पढ़ने का ढंग नहीं है, आपको बात करने की तमीज नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलें? जैसे मैंने यहां पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, बोलने का ढंग नहीं है, ढंग नहीं है। तो सिंपल डायरेक्ट बोलेंगे हम नो वे। अब जिस चीज का ढंग नहीं है, टू और स्पीक, इसके बाद फर्स्ट स्टॉप लगाएंगे। बोलने का ढंग नहीं है, नो वे टू स्पीक। बैठने की तमीज नहीं है, नहीं है, नो वे। तमीज नहीं है, नो वे। नो वे टू सिट। तरीका नहीं है किस चीज का खाना खाने का, नो वे टू, नो वे टू ईट फूड। कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ढंग नहीं है, ढंग नहीं है, नो वे टू पुट ऑन द क्लॉथ्स। बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि आपको बड़े से बात करने की तमीज नहीं है, ढंग नहीं है, तीनों का सेम ही नहीं है। बात करने का ढंग नहीं है, नो वे, नो वे टू टॉक टू एल्डर्स। बड़ों को हम एल्डर्स बोलते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस अभी तक आपने देखे जिसमें हम सब्जेक्ट नहीं लगा रहे, आई यू, दैट इज बोलते हैं डायरेक्ट स्पोकन। लेकिन अगर आप बोलना चाहती है, आप बोलना चाहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको खड़े होने का ढंग नहीं है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में कैसे बनाए? मैंने यहां पे लिखा जैसे आपको पूछने का ढंग नहीं है, तो यू, यहां पे हम बनाएंगे हैव, यू हैव नो वे, यू हैव नो वे, यानी कि आपके पास, यू हैव आपके पास नो वे, यानी कि ढंग नहीं है किस चीज का, टू आस्क पूछने का। उसे खाना खाने, यानी कि उसे खाना खाने की तमीज नहीं है, तो ही हैज नो वे, यानी उसके पास खाना खाने की तमीज नहीं है, टू खाना बनाने की, सॉरी, ही हैज नो वे टू मेक फूड। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे यहां पे लिखा है क्या आपको चलने का ढंग है, क्या आपको, तो सिंपल हैव यू। जब भी हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, हैव यू वे टू वॉक। उसे बोलने का ढंग नहीं है, उसे बोलने का ढंग नहीं, उसे, ही हैज नो वे, यानी कि नो वे पास नहीं है उसके पास, ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तमीज नहीं है, तो ही हैज नो वे टू स्पीक। क्या उसे खेलने का ढंग है, क्या, इंट्रोगेटिव फिर से, तो हैज ही, क्या उसे, यानी क्या उसके पास, हैज ही वे टू प्ले। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आ गया, उसकी रोज प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी और बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।